हेलो स्टूडेंट्स, आरके विज्ञान कॉलेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एमएससी जूलॉजी प्रीवियस का पेपर नंबर 3, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। हम पढ़ रहे हैं आज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का टॉपिक है डीएनए रिपेयर। डीएनए रिपेयर हमने स्टार्ट कर दिया था। हमने क्या पढ़ लिया था? बेस एक्सीजन रिपेयर, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर। बेस एक्सीजन रिपेयर में हमने क्या पढ़ा था? जब अनवांटेड डीएनए आके ऐड हो रहे हैं, जैसे कि हाइपोजेंथिन, जेंथिन, यूरेसिल, ये सब क्या है? अनवांटेड डीएनए, जो कि डीएनए में, नॉर्मल डीएनए में प्रेजेंट नहीं होते हैं, और वो आके ऐड हो रहे हैं। उसको क्या किया था हमने? एक्सीजन किया था, मतलब कि हटाया था वहां से और वहां ऐड किया था करेक्ट न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर। के नाम से ही पता चल रहा है कि इसकी डेफिनेशन क्या है। क्या है न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर? मतलब कि एक लार्ज सेगमेंट ऑफ डीएनए, उसके अंदर क्या हो गया? म्यूटेशन हो गया, डीएनए डैमेज हो गया। किसके अंदर? लार्ज सेगमेंट ऑफ डीएनए के अंदर। तो क्या हो गया? उस डैमेज डीएनए को रिपेयर करने के लिए रिपेयरिंग सिस्टम होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर सिस्टम। ए सिस्टम विच रिपेयर द लास्ट सेगमेंट ऑफ द डीएनए, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर। न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर, न्यूक्लियोटाइड डैमेज ये हो कैसे सकता है? मतलब कि लास्ट सेगमेंट में डैमेज कैसे हो? क्या तो यूवी लाइट दे दी? यूवी लाइट देने से क्या होगा? थायमिन डाइमर बन जाएगा। थायमिन है वो डायमराइजेशन फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। और फिर बाद में
रिपेयर सिस्टम। इसके रिजल्ट से क्या होगा? पहले डायमर फॉर्मेशन हो जाएगा, एक क्रॉस लिंकिंग टाइप की स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, एक डीएनए को डैमेज कर देगा। अब क्या होगा, अब इसमें देखेंगे कि हम इसकी प्रोसेस कैसे होगी। इसकी प्रोसेस क्या होगी, जैसे कि ये डीएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है, यहां पर कुछ न्यूक्लियोटाइड्स है जो कि क्या हो रहे हैं, डैमेज हो। अब क्या होगा, इन डैमेज डीएनए में ये डीएनए ओपन होगा, जहां से ये न्यूक्लियोटाइड्स, गलत न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हुए हैं, डीएनए क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या होगा, डिफेक्ट रिकॉग्नाइज होगा और अनमिल्ड होगा, डिफेक्ट रिकॉग्नाइज एंड अनमिल्ड डीएनए, डीएनए क्या होगा, अनमिल्ड होगा। इस तरह से यहां पर क्या है, डैमेज है, ये 5 प्राइम 3 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, ठीक है, ये डैमेज डीएनए क्या होगा, अनबिंडिंग होगी। अब अनबिंडिंग होने से क्या होगा, अनबिंडिंग होने के बाद में कुछ एंडोन्यूक्लियस या फिर कुछ एंडोन्यूक्लियस आएगा जो कि यहां से इसको कट करेगा, कट करके इस पार्ट को रिमूव कर देगा। रिमूव करने के बाद में नए न्यूक्लियोटाइड्स को यहाँ पर, करेक्ट न्यूक्लियोटाइड्स को यहाँ पर आके ऐड करेगा, ठीक है, कटिंग दिस म्यूटेटेड ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सेगमेंट। ये ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सेगमेंट है वो कट हो जाएगा, कट होने के बाद क्या होगा, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, यहां से क्या होगा, डीएनए कट होगा, कट होने के बाद क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज आएगा, डीएनए पॉलीमरेज आया, उसने इसको क्या कर दिया, सील कर दिया, 5 प्राइम टू 3 प्राइम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। लेकिन यहां पर क्या हुआ, निक प्रेजेंट है, इस निक को सील करेगा डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज ने क्या किया, डीएनए को सील कर दिया। इस तरह से क्या हो गया, डीएनए रिपेयर हो गया। क्या है न्यूक्लियोटाइड एक्सेस रिपेयर के अंदर, एक सेगमेंट है, एक ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड है, मतलब कि मोर देन वन न्यूक्लियोटाइड का सेगमेंट है जिसके अंदर डैमेज हुआ, वो डैमेज क्या होगा, डैमेज को डिटेक्ट करेगा और क्या होगा, डीएनए अनबिंड हो जाएगा, मतलब कि सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अनबिंड होने के बाद क्या होगा, डीएनए वहां से जहां से डैमेज हुआ है वहां से डीएनए कट होगा, कट होगा और जो डीएनए है डैमेज डीएनए वो रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने के बाद में यहां पर क्या है, 3 प्राइम OH, इस 3 प्राइम OH के ऊपर कौन आके बाइंड करेगा, डीएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा, डीएनए पॉलीमरेज यहां पर बाइंड करेगा और क्या करेगा, सील करेगा। सील करने के बाद क्या होगा, ये जो निक है उसको डीएनए लाइगेज क्या करेगा, सील कर लेगा। डीएनए पॉलीमरेज ने क्या किया, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड किया, न्यूक्लियोटाइड्स करेक्ट न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड किया, करेक्ट न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करने के बाद में निक है उसको सील कर दिया, इसने डीएनए लाइगेज में। इस तरह से क्या हुआ, डीएनए न्यूक्लियोटाइड एक्सेसिबल पेयर हो गया। अब हम इसमें देखेंगे जो प्रोटीन्स है, कौन कौन से प्रोटीन्स आगे बाइंड कर रहे हैं, किसके अंदर, जब हम इसको यूवी लाइट एग्जाम्पल हम देखते हैं इसका, जब हम डीएनए को यूवी लाइट दे रहे हैं तो उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और वो डैमेज डीएनए को हम रिपेयर कैसे कर रहे हैं, कौन कौन से प्रोटीन्स आके वहां बाइंड कर रहे हैं। जो न्यूक्लियोटाइड एक्सेस रिपेयर है
रिपेयर करने के लिए क्या होगा, डीएनए को रिपेयर करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। बाकी न्यूक्लियोटाइड्स को, बाकी जो रिपेयर सिस्टम है उनको एनर्जी की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन रिपेयर में क्या है, ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो वो एनर्जी को हम उसे देखेंगे कि कौन कौन से प्रोटीन आके बाइंड कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, थायमिन डाइमर को रिमूव कर रहे हैं और करेक्ट न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम एक देखते हैं एग्जाम्पल। करेक्ट डीएनए 5' to 3' 5' to 3' यहां क्या किया, यूनिलाइड यूनिलाइड करने से क्या होगा, थायमिन क्या होगा, डाइमराइज फॉर्म में आ जाएगा, थायमिन का डाइमर फॉर्मेशन हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ क्या हुआ, थायमिन का डाइमर फॉर्मेशन हो गया। अब थायमिन का डाइमर फॉर्मेशन हो गया किसकी वजह से, यूवी लाइट की वजह से। डीएनए क्या हो गया, डैमेज। अब क्या करना है, डीएनए को रिपेयर करना है, इससे न्यूक्लियोटाइड एक्सेसर रिपेयर सिस्टम। तो इसमें क्या आएगा, कुछ प्रोटीन आएंगे जो कि यहाँ पर आके बाइंड करेंगे, कुछ प्रोटीन्स है UVRB और UVRC जो कि डाइमर फॉर्म में रहता है। ठीक है, अब ये प्रोटीन्स आके बाइंड करेंगे यहां, तो पहले UVRB और UVRC है वो एक दूसरे से जाके बाइंड करेंगे, बाइंड करेंगे तो क्या होगा, एटीपी यूज में लेंगे, मतलब कि एनर्जी को यूज में लेंगे। एनर्जी यूज में लेने से क्या होगा, यूवीआरबी यूवीआरसी के साथ में जाके बाइंड करेगा। इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेंगे। अब क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स यहां जाके बाइंड करेगा, ये है थायमिन डाइमर, ये है डीएनए, यहां कौन आके बाइंड करा, यूवीआरबी और यहां पर यूवीआरसी एंड सी। जब ये यहां पर आके बाइंड करेगा तब भी क्या करेगा, एटीपी को यूज करेगा और क्या कन्वर्ट कर देगा इसको, एडीपी। अब क्या होगा, यूवीआरबी ऊपर बाइंड है यूवीआरसी एंड यूवीआरसी। ठीक है, अब क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स इसी तरह से आके बाइंड करेगा। अब क्या होगा, ये यूवीआरसी ऊपर आके बाइंड करेगा, थायमिन डाइमर डीएनए। यहां पर कौन आके बाइंड कर गया, सी एंड सी यहां पर बी। इन्होंने अपना ओरिएंटेशन चेंज कर लिया, पोजीशन चेंज कर लिया, सी वाले ऊपर चले गए और बी वाले नीचे आ गए, तो इसमें भी वो एटीपी को यूज करेंगे और एडीपी प्लस डीएनए कन्वर्ट कर। ठीक है,
कॉम्प्लेक्स आके यहाँ पर बाइंड करने के बाद में क्या होगा कि एक और प्रोटीन आएगा जिसका नाम है यूबीआरडी। यूबीआरडी के पास में क्या होता है, हेलिकेज एक्टिविटी होती है। ये क्या करते हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स है रिक्रूट करते हैं, बुलाते हैं किसको, यूबीआरडी को। यूबीआरडी के पास में कौन सी एक्टिविटी है, हेलिकेज एक्टिविटी। हेलिकेज एक्टिविटी है यूबीआरडी के पास में, तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन कंपाउंड आ रही है, हाइड्रोजन कंपाउंड उठाने के बाद में क्या होगा, ये यहां से कट होके रिमूव हो जाएगा। अब क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज आएगा, डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, 3'OH के ऊपर जाके बाइंड करेगा, डीएनए पॉलीमरेज क्या किया, 3'OH के ऊपर जाके बाइंड किया, बाइंड करने के बाद में क्या करेगा इसने, इस तरह से अब लास्ट एंजाइम कौन सा आएगा, डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज क्या करेगा, इसके लिंक को सील कर देगा। क्या है इसके प्रोसेस के अंदर, पहले जो डीएनए है अगर उसके ऊपर यूवी लाइट गिरे, यूवी लाइट गिरने से क्या होगा, डीएनए डैमेज हो गया, डीएनए डैमेज हो गया और क्या बन गया, थायमिन डाइमर बन गया। थायमिन किसके फॉर्म में आ गया, डाइमराइज फॉर्म के अंदर आ गया। डाइमराइज फॉर्म में आने के बाद में क्या है, कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि वहां पर आके बाइंड करेंगे, जो कि इसको हेल्प करेंगे, इसको थायमिन डाइमर को रीड करेंगे और यहाँ पर आके बाइंड करेंगे। तो क्या है, यूबीआरडी और यूबीआरसी डाइमर है, वो क्या करेंगे, डाइमराइज फॉर्म में आएंगे, मतलब कि कॉम्प्लेक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ एटीपी, एनर्जी यूज करके, एनर्जी यूज की और क्या कर रहा है, एक कॉम्प्लेक्स बना रहा है। और अब जो ये कॉम्प्लेक्स है वो कहाँ होगा, ये एड होगा थायमिन डाइमर से, थायमिन डाइमर के ऊपर कौन ऐड हो गया, UVRA, UVRB, UVRC, ठीक है, इसमें भी यूज में लेती है एटीपी को, यूज में एटीपी को यूज में लेती है एटीपी प्लस पीआई, एनर्जी यूज में आ रही है फर्स्ट बार यहाँ पर जब ये डायमराइज को कॉम्प्लेक्स लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, और ये कॉम्प्लेक्स लाइक स्ट्रक्चर जब लोड हो रहा है तब दूसरी बार एनर्जी यूज में आ रही है, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स लाइक स्ट्रक्चर है वो अपना ऑरिएंटेशन चेंज कर रहा है, यू सी वाला है ऊपर थायमिन डाइमर के ऊपर जा रहा है, बी वाला है वो नीचे आ रहा है, जब ये ऑरिएंटेशन चेंज कर रहा है तब भी क्या हो रहा है, एनर्जी यूज में आ रहा है। अब ये एनर्जी यूज में आ रही है कितनी बार यूज में आएगी एनर्जी, एक बार, दो बार, तीन बार, ठीक है, चौथी बार एनर्जी कहाँ यूज में आएगी, वो हेल्थकेज एक्टिविटी करेगा तो यहाँ पर भी एटीपी का यूज में आएगा। एक एटीपी यहाँ पे खर्च हो गया, कितने एटीपी खर्च हो गए, चार एटीपी खर्च हो गए, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, अपने यहाँ पर ये हुआ, इन्होंने कॉम्प्लेक्स बनाया, कॉम्प्लेक्स बनाने पे एक एटीपी का यूज में किया, फिर ये कॉम्प्लेक्स लोड हुआ, कॉम्प्लेक्स लोड होने के बाद में इन्होंने अपना ऑरिएंटेशन चेंज किया, ऑरिएंटेशन चेंज करने के बाद में क्या हुआ, यहाँ पे तो क्या हो रहा है, एटीपी का ही कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। ये ऑरिएंटेशन चेंज होने के बाद में एक और प्रोटीन आएगा यूबीआरडी, यूबीआरडी के पास में क्या है, हेलिकेज एक्टिविटी है, हेलिकेज एक्टिविटी मतलब दो स्ट्रैंड्स को सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो ये हेलिकेज एक्टिविटी
डाइमर है उसको रिमूव कर दिया। न्यूक्लियोटाइड है जहां पर थायमिन डाइमर हो रहा है उसके कुछ न्यूक्लियोटाइड पर रिमूव कर दिया, वहां से कट किया और रिमूव हो गया। हेलिकेज एक्टिविटी हुई, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुए, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुए ये यहाँ पर रिमूव हुआ, सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हुआ, सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ कट लगा, कट लगने के बाद में क्या हुआ, ये सीक्वेंस ये सेगमेंट है वो रिमूव हो गया, जो डैमेज पार्ट है वो रिमूव हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, डीएनए पॉलीमरेज आया, डीएनए पॉलीमरेज का क्या काम है, पॉलीमराइजेशन करना, वो करेक्ट न्यूक्लियोटाइड्स को लाएगा और वहां पर ऐड करेगा, करेक्ट न्यूक्लियोटाइड्स को लाएगा, थ्री प्राइम में एडवांटेज होगा, क्यों, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज कैसे वर्क करता है, फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन में, फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन में जब डीएनए वर्क करेगा तो ये क्या करेगा, थ्री प्राइम ओएच के ऊपर जाके बाइंड करेगा। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा तो क्या होगा, डीएनए वो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड तो कर लेगा, एंड तक ऐड कर लेगा, सारे न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर लेगा, लेकिन क्या है यहाँ पर गैप फॉर्मेशन, मतलब लीक फॉर्मेशन हो जाएगा। गैप फॉर्मेशन क्या होता है, जब एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर आने की स्पेस होता है, और लीक फॉर्मेशन क्या होता है, जब एक ही न्यूक्लियोटाइड्स होता है वो ऐड नहीं हो सकता, एक ब्रेक फॉर्म होता है बैकबोन के अंदर, ब्रैकेज ऑफ डीएनए उसको बोलते हैं निक। ठीक है, और वो निक को यहाँ क्या है, निक बन गया, अब इस निक को सील करने के लिए एक और एंजाइम है डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज क्या करता है, यहाँ पर फॉस्फोराइज़र बॉन्ड बना के डीएनए को सील कर देता है, सील कर दिया, अब क्या हो गया, डैमेज डीएनए है उससे क्या हो गया, करेक्ट डीएनए बन गया। ठीक है, हमने पढ़ा डीएनए डाइमर का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से डिजीज कॉज हो सकते हैं। एक बहुत अच्छा एक डिजीज है ज़ीनोडर्मा, जो कि न्यूक्लियोटाइड्स के रिपेयर सिस्टम अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो वो डिजीज कॉज हो जाएगी। वो डिजीज क्या है, स्कीम डिजीज, जहां पर स्किन डिजीज है, स्किन डिजीज में क्या होता है, स्किन एलर्जी टाइप की डिजीज होती है, जो कि अगर ये न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन रिपेयर अगर एब्सेंट रहा उसमें तो डिजीज कॉज हो जाएगी। उसका नाम है ज़ीनोडर्मा पिगमेंटोसोमा। कौन सी डिजीज है, ज़ीनोडर्मा when nucleotide excision repair system is absent, agar ye nucleotide ka excision and nucleotide excision repair system absent ho to kya ho gaya, ज़ीनोडर्मा एक पिगमेंटोसोमा डिजीज है वो कॉज हो जाएगी। ये क्या है, एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, ऑटोसोमल मतलब कि ऑटोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट है, जैसे कि 44 प्लस एक्स एक्स या फिर 44 प्लस एक्स वाई होता है, तो यहाँ पर इस 44 के ऊपर कौन सा प्रेजेंट है, ऑटोसोम बोलते हैं, तो यहाँ पर ये डिजीज इन क्रोमोसोम्स के लिए डिजीज प्रेजेंट होती है, तो ये कौन सी है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। तो ये क्या कॉज कर रही है, स्किन कैंसर कॉज कर रही है। ठीक है, कॉज स्किन कैंसर,
sensitive because of photo sensitive. फोटो सेंसिटिव है, लाइट आके पड़ेगी तो क्या होगा, स्किन कैंसर की कॉज हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन रिपेयर बॉडी में एब्सेंट है. ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, ठीक है. तो ये क्या हो रहा है, किसकी वजह से कॉज हो रहा है? अगर ये रिपेयर सिस्टम डीएनए में इसके बॉडी के अंदर एब्सेंट हुआ तो कौन सी डिजीज कॉज होती है? जीरो डॉलर पिगमेंटस. पिगमेंटस से पता चल रहा है कि फोटो सेंसिटिव पिगमेंट्स एब्सेंट हो गए, पिगमेंट्स की वजह से ये डिजीज होगी, ठीक है. तो इस तरह से हमने ये पढ़ा. हमने क्या पढ़ा, न्यूक्लियोटाइड रिएक्शन रिपेयर के अंदर न्यूक्लियोटाइड है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है, लार्ज नंबर ऑफ डीएनए है वो डैमेज हो गया, उसको रिपेयर करने के लिए कौन सा रिपेयर सिस्टम यूज में ले रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन रिपेयर. और वो डैमेज हुआ कैसे? यूवी लाइट देने से, आयनाइजेशन लाइट दे दिया, या फिर कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर दे दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, लास्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए डैमेज हो गया. अब वो डैमेज पार्ट को रिपेयर करने के लिए कौन से यूज में ले रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन रिपेयर. वहां क्या होगा, जो डैमेज डीएनए है वो ओपन होगा, मतलब कि सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होगा. जो स्ट्रैंड होगी डबल स्ट्रैंडेड, पहले क्या होगा, डैमेज पार्ट होगा उसको वो एक्सपोज कर लेगा. क्यों? सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करेगा. सिंगल स्ट्रैंड में जब ये कन्वर्ट करके इसको एक्सपोज कर देगा तो फिर बाद में क्या होगा, एक्सपोज करने के बाद में ये यहां से कट हो जाएगा. कट होने से क्या होगा, एंडोन्यूक्लियस आके कट करेगा. कट होने से क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोटाइड है वो रिमूव हो जाएगा. रिमूव होने के बाद में जो डीएनए पॉलीमरेज है वो आके बाइंड करेगा. बाइंड करने के बाद में क्या होगा, करेक्ट न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा. करेक्ट न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करने के बाद में लास्ट में आएगा डीएनए लाइगेज, जो कि क्या कर देगा, करेक्ट न्यूक्लियोटाइड करेक्ट डीएनए बना देगा डीएनए को सील करके. इस तरह से क्या हो जाएगी, न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन रिपेयर सिस्टम. और फिर बाद में हमने क्या पढ़ा, बाद में हमने पढ़ा अगर यूवी लाइट दे देते हैं तो क्या होता है, यूवी लाइट दे देते हैं तो क्या होता है, कुछ प्रोटीन्स आके बाइंड करते हैं, यूवीआर ए, यूवीआर बी, यूवीआर सी, यूवीआर डी, बहुत सारे प्रोटीन्स करते हैं, ठीक है. तो यूवीआर बी और यूवीआर सी पहले आएंगे और कॉम्प्लेक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको एटीपी यूज में आएंगे. और वो कॉम्प्लेक्स लाइक स्ट्रक्चर किस में जाके बाइंड करेगा, डैमेज पार्ट में. डैमेज पार्ट में जाके बाइंड करेगा तो फिर भी उसमें एटीपी यूज में, मतलब कि इस रिपेयर सिस्टम को यूज में लेने के लिए बहुत सारी एनर्जी यूज में आती है. एटीपी का यूज होता है, हमारा एटीपी को लॉस होता है, ठीक है. तो फिर बाद में क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स लाइक स्ट्रक्चर आके बाइंड करने से क्या होगा, अब उसमें ऑरिएंटेशन में चेंजेस आएंगे. ऑरिएंटेशन में चेंजेस आने के बाद में क्या होगा, ऑरिएंटेशन में चेंजेस आया उसमें भी एटीपी का यूज में, फिर कौन सा आया, यूवीआरडी. यूवीआरडी आया, वो भी क्या, वो भी क्या यूज करेगा, एनर्जी यूज करेगा. इसका वर्क क्या है, हेलिकेज का वर्क, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है और क्या कर रहा है, सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर रहा है. सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करने के बाद में क्या होगा, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं अब क्या होगा, एंडोन्यूक्लियस आएगा और यहां से कट करेगा. कट करने के बाद क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज आएगा. डीएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा. बाइंड करने से क्या होगा, बाइंड करने के बाद में इसको न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा. करेक्ट न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करने के बाद में डीएनए लाइगेज आएगा, उसे सील करेगा और डीएनए डैमेज को रिपेयर करेगा, ठीक है. और अगर डीएनए डैमेज एब्सेंट हो तो क्या होगा, जीरो डोमा पिगमेंटोसोमल डिजीज है जो कि कॉज होगी, जो कि क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज. ऑटोसोम पे प्रेजेंट है से ऑटोसोमल और रिसेसिव डिजीज, ठीक है. ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज का मतलब हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, ये एक डिजीज का टाइप है ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज. जेनेटिक्स में हम देखेंगे ऑटोसोमल रिसेसिव भी होता है, डोमिनेंट भी होता है, एक्सलिंक्ड होता है, एक्सलिंक्ड डोमिनेंट होता है. इसका नाम क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज. और ये क्या कर रहा है, स्किन कैंसर को कॉज कर रहा है.
स्किन कैंसर को कॉज करके जा रहा है, क्योंकि ये क्या है, फोटोसेंसिटिव मॉलिक्यूल की वजह से ये स्किन कैंसर को कॉज करता है। ठीक है, तो आज लास्ट वीडियो में हमने कौन सा पढ़ लिया, बेस एक्सेशन रिपेयर, आज हमने पढ़ लिया न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मिसमैच रिपेयर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कौन सा पढ़ेंगे, मिसमैच रिपेयर। थैंक यू।